हेलो एवरीवन, मैं मुर्तुजा खान। आज मैं बात करने जा रहा हूँ AS3.4 को किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले 3.4 को ऑन कर लेना है, और ऑन करने के साथ आपको लैपटॉप या मोबाइल से कनेक्ट कर लेना है। लैपटॉप को दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू और लैन के थ्रू। कनेक्ट करने के बाद ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद जो इसका डिफॉल्ट आईपी है, इसके बैक में लिखा रहता है और मैं भी बता रहा हूँ, इसका डिफॉल्ट आईपी है 192.168.1.1। टाइप करना है और इंटर प्रेस करना है। इस तरह का लॉग इन पेज आपके सामने आएगा। इसका जो डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड है, इसके बैक में लिखा हुआ है, और जो इसका डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड है रूट, और पासवर्ड है एडमिन। करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो सबसे पहले हमें चेक कर लेना है कि हमारा डिवाइस ऑनलाइन है या नहीं है। ऑनलाइन चेक करने के लिए आपके सामने आपका डिवाइस होगा, और फोन अगर स्टेबल है, कंटिन्यू है, मतलब स्टेबल है, तो फोन स्टेबल है, और यहाँ से भी देख सकते हैं आपका फोन ऑनलाइन है कि नहीं है। तो ये हमारा ऑनलाइन है। पावर क्या आ रहा है ये भी हम चेक कर सकते हैं, पावर -14 आ रहा है। उसके बाद नेटवर्क को क्लिक करना है। नेटवर्क क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आएगा। सबसे पहले न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करना है कनेक्शन नेम। न्यू मोड में दो तरह के मोड है, राउट है और ब्रिज है। तो राउट को सेलेक्ट करना है और इसको रखना है। कैरी बिजनेस में इंटरनेट सेलेक्ट करना है। इंटरनेट सेलेक्ट करने के बाद सारे पोर्ट को बाइंड कर लेना है। बाइंड करने से कनेक्टिविटी बेटर रहता है। बाइंड कर लेना है। DSAP सर्वर को इनेबल रखना है, तभी आपको ऑटोमेटिक आईपी साइन हो पाएगा। देन उसके बाद लिंक मेथड, दो तरह के मेथड है। अगर आप स्टैटिक या DSAP पे चलाना चाहते हैं तो लिंक बाय आईपी सेलेक्ट करना है। अगर PPoE डालना चाहते हैं तो एस्टैब्लिश लिंक थ्रू PPoE सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आईपी वर्जन 4 सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप VLAN यूज करते हैं तो टैग करना है। अगर VLAN यूज नहीं करते हैं तो ट्रांसपेरेंट करना है, और यहाँ पर कोई भी VLAN नहीं डालना है। हमारे नेटवर्क में VLAN हम यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर टैग डाल दिया है, और हमारा VLAN है 400 डाल दिया है। इसके बाद इसको कुछ भी इनेबल नहीं करना है। यहाँ पे मल्टीकास्ट VLAN भी नहीं डालना है। M2 साइज को एज इट इज रहने देना है। नेट हमेशा इनेबल रहेगा। उसके बाद यूजर डालना है, जो हमारा यूजर नेम है MK5Net, वो मैंने डाल दिया। इसका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड मैंने डाल दिया। डायलिंग मेथड ऑटोमेटिक रहेगा, PPoE इस पे सेलेक्ट नहीं करना है। देन अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड लेता है सही होने में। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा, फिर स्टेटस पे क्लिक करना है और डिवाइस साइड इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ चेक करना है कनेक्शन स्टेटस, मतलब हमारा इंटरनेट इसमें चलने लगा है। देन उसके बाद वाईफाई का नाम और पासवर्ड डालना है। तो नेटवर्क को क्लिक करना है, 2.4 के लिए 2.4 पे क्लिक करना है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो SSID नेम पे आपको नाम डालना है, जिसमें मैं डाल दिया MKHAN_2.4G। ये लगाने से आइडेंटिफाई होता रहेगा कि हमारा नेटवर्क 2.4G का ये है, तो इसे 2.4G से कनेक्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड है, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड अपना यहाँ पे फिल कर लिया, और सारे कुछ भी टिक नहीं करना है, और अप्लाई चेंज पे क्लिक कर देना है। अप्लाई चेंज पे क्लिक करने के बाद आपका वाईफाई नाम ये शो होने लगेगा। देन WLAN 5G पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस है,
यहाँ पे आपको फाइव जी का नाम डाल लेना है, एमके खान अंडरस्कोर 5G। मैंने अंडरस्कोर टोल के 5G डाल दिया, इसलिए करके आपका नेटवर्क नो आइडेंटिफिकेशन पासवर्ड यहाँ पे डाल लेना है, सेम प्रोसेस था पहले ही बताया था। और यहाँ पे आपको अप्लाई चेंज पे क्लिक करना है, सेव होने में थोड़ा टाइम लेता है तो आपको वेट करना है। यहाँ पे सेव हो चुका है और ये हमारा टोटल कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अगर इसमें आप वॉइस का कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे वॉइस का कॉन्फ़िगरेशन डाल रखा हूँ और उसका मैं लिंक भी डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से वॉइस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इन्फॉर्मेशन आपको मैं अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। थैंक यू।